नीचे बहुत ठंड पड़ गई है। आज लग रहा है कि मेरी शादी हुई है। हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। क्या हालचाल, हो गई है सुबह, फाइनली वी आर रेडी। हम नहा चुके हैं, हम तैयार हो चुके हैं, मुस्कान तैयार हो चुकी है, सरप्राइज टू एवरीबॉडी। मैं तैयार नहीं हुई हूँ, मैं बहुत लेट हूँ। मुस्कान ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, नेल कटर नहीं मिल रहा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरे तोते उड़े पड़े हैं गाइस, मैं बहुत लेट हूँ, मेरा कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने सब सुबह करा है, नेल पेंट भी सुबह लगाई है, अभी तक मैंने अपने नेल्स भी नहीं लगाए। ब्रश और नेल्स मैं ट्रेन में लगाऊंगी। और मैंने सुबह सुबह अपने नेल्स उतारे और क्या क्या करा है, हमने पूजा करी, नाश्ता करा, पैकिंग करी, सब कुछ सब कुछ हो गया। क्योंकि मेकअप तो पैक कर नहीं सकते थे ना जब तक हम मैं रेडी नहीं होंगी, तो इसीलिए फिर मैं अभी तक पैक नहीं किया था। बट अब सब हो गया, कैब भी बुक हो गई है, हमें बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि हमारा विंडो बहुत छोटा है। मम्मी को भी पिक करना है, मम्मी को पिक करके फिर हमको स्टेशन जाना है, तो बहुत भागना पड़ेगा। और गाइस, इसका तो वैसे भी कहीं भी जाना हो पैनिक मोड हमेशा ऑन रहता है, और जब इसके घर जाना हो तो उसका वैसे पैनिक मोड 2000 हो जाता है, और मैं और रिलैक्स हो जाती हूँ क्योंकि मेरे को उसको पैनिक करने में बड़ा ही मजा आता है। हम जा रहे हैं मुलाना, विच इज इन हरियाणा, और वहां पे अंकित का दादका है बेसिकली। हाँ। तो हम मिलेंगे हमारे चाचा से, बड़े पापा से, और कौन चाची से, कजिन से, सब पास पास में ही रहते हैं, एंड इट्स अ फैमिली गेट टुगेदर। और मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि शादीशुदा फील्स अब आने वाली है। ऐसे होता है ना, बिस्कुट आगे करे तो मना करो और वो सब, है ना। हम नहीं करेंगे, हम खा लेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, और मैं लिफाफे को भी मना नहीं करूंगी, मैं फर्स्ट टाइम में ले लूंगी ताकि सब शॉक हो जाए, कैसे बहुआ है, इसने तो एक बार भी मना नहीं किया। और 10:30 हो रहे हैं, हमारी ट्रेन है 11:40 की, और मुझे लगा था कि हम बहुत लेट हो गए, पर मम्मी कह रही है अभी तो बहुत टाइम है, चाय पी के। मैंने बोला चाय वाय नहीं पीनी है अभी, एक्चुअली मेरे दो चीज़ें जो मुझे निकलते टाइम लेनी थी बट हम नहीं ले पाए, तो अभी हम फटाफट जा रहे हैं बच्चों के लिए चॉकलेट्स लेने, क्योंकि मैं अपने कौन होते हैं वो, मेरे भतीजे होंगे ना। हाँ, मैं चाचा हुआ, चाची के भतीजे होते हैं। हाँ, भतीजे तो हुए। हाँ, भतीजे ही हुए, तो मैं अपने भतीजों से मिलूंगी, मैं चाची हूँ। भाई मैं एक साल से तरस गई हूँ ये शब्द सुनने के लिए। मामी तो बुलाया मुझे, जो अंकित की मासी की पोती है, नहीं दोती है। हाँ। वो मुझे बोलती है मामी मामी, और उससे एक दो बार बात भी हुई है, तो अभी तक वो चाची वाला मोड ऑन नहीं हुआ है, चाची वाला और ताई जी वाला। ताई जी तो मैं होंगी नहीं ना किसी की, ताई नहीं, आई डोंट थिंक सो। तो मैं, मेरे को वहाँ पे चाची बोलने वाले बच्चे मिलेंगे, तो इसलिए मैं चॉकलेट्स लेके जा रही हूँ बच्चों के, चाची बोलेंगे मैं चॉकलेट देती जाऊँ। मुझे ये भी नहीं पता कि वहाँ पे कितने सारे बच्चे मुझे मिलने वाले हैं, क्योंकि पूरा फैमिली गेट टुगेदर है, मैं जानती भी नहीं हूँ और पता भी नहीं कितने आ रहे, तो मैंने एक्स्ट्रा स्टॉक रख लिया है एंड आई होप कि खत्म ही हो जाए। और मतलब इट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट ना, बच्चों को एक्साइटमेंट रहती है, हमारे जमाने में तो होती थी ना, और मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट है, मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ, तो इसलिए मैंने, मेरे को ये चाहिए कि उनको ऐसा लगे वाह चाची है, चाची क्यूट है, चाची ये वाली अच्छी है। मैंने जबरदस्ती लिमका लुमका पिला दी, ये देखो सामान हम सारा लेके, अब मैं वेट कर रही हूँ कैब का, अंकित गया कैब को अंदर लेके आने के लिए, मम्मी बस ताला लगा के नीचे उतर रही है और फिर हम निकल रहे हैं। आओ मम्मी स्माइल कर दो, बाय हाय करना है, हाय। इन्हें ले लिया है सामान, क्योंकि मुझे पता है उसकी बीवी से सामान नहीं उठाया जा रहा है, और फटाफट भाग रहे हैं, 5 मिनट रह गए बस हमारी ट्रेन आने में, और 5 मिनट के लिए रुकेगी यहाँ पे, इसीलिए बोलती हूँ मैं कि 10 हमेशा ट्रेन के टाइम से 15 मिनट पहले आना चाहिए, ताकि ये भगदड़ ना मचे। लास्ट मिनट पे आओगे तो सांस ही चढ़ेगी इतना सामान उठाने में। इतनी आगे है हमारा कोच, चल के जा रहे हैं, भाई मेरा तो पेट ही हिल गया इतनी तेज तेज भागने के चक्कर में। फाइनली भाई एंट्री हुई है, इतनी गर्मी है बाहर भाई, है अंकित अंदर तो पता ही नहीं चलता कितनी कितना ठंडा हो रहा है। ये मेरी हालत है बिफोर बोर्डिंग वंदे भारत, सह लेंगे थोड़ा सा, सोचा था रील बनाऊंगी, मेरा तो खुद ही रील बन गया। रील कैसे बनाऊं? ओके द एडवेंचर डजंट एंड हियर, हम रॉन्ग बोगी में चढ़ गए हैं, वैगन। तो अब हम E2 में और हमें C7 में जाना है। वाओ व्हाट अ बिगिनिंग ऑफ द ट्रिप, इतनी ट्रेनें बोर्ड करी जिंदगी में, इतनी लेट ना कभी नहीं पहुंची मैं, अगली बार ना मुझे डिसाइड करने देना कैब बुक करने का टाइम, समझ आई? मैं धूप में बैठना पसंद करूंगी रादर देन दिस। इस पास में रखो ना, फिर कोई और आएगा तो फिर उनको, हाँ इधर कर दो थोड़ा। वर्कआउट हो गया जी आज ही, 4 किलो कम हो गया तुम्हारा, सारा वाटर वेट आज ही निकल जाएगा। कितना चल के आए हो? C7 पहले हम वहाँ प्लेटफॉर्म पे चले, E2 से C7 तक, है ना। मम्मी अपने पोटली में से हमको टॉफी निकाल के दे रही है,
ये लो जी। अरे ये तो वही है। अभी हमारे लंच में है मटर पनीर। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। खुशबू बहुत अच्छी है। शाही पनीर। अच्छा, और ये इसमें राइस होंगे ना। राइस बहुत बढ़िया। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मैंने तो खाली एक चीज देखी अभी तक। क्या? नहीं नहीं, ये क्या है? घर पे तो हाथ धोते नहीं। यहाँ पे सैनिटाइजर और भी कर रहे सैनिटाइजर। और इसमें क्या है पता नहीं, देख। ड्राई वेज डिश। अच्छा, मिक्स वेज। अच्छा, आलू मटर है। आलू मटर, चलो जी टूट के पड़ते हैं। टेस्ट टेस्ट करो भाई। खुशबू बता रही है बहुत अमेजिंग है। कैसा? जबरदस्त, बढ़िया, बहुत अच्छा। वेरी होम लाइक। होम लाइक नॉट वेरी। नौ शादिया खाना, प्रॉपर ट्रेन का खाना। हाँ। इतनी नेक्स्ट लेवल जबर आइसक्रीम आई है उसकी, फुल पत्थर। एक तो एसी इतना भयंकर चल रहा है। इनिशियली बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि एसी बड़ा ठंडा कर रहा था, तो हमें बहुत गर्मी लग रही थी, मुझे तो बहुत पसीना आ रहा था, लेकिन अब एसी इतना ठंडा कर रहा है, ऊपर से इतनी ठंडी आइसक्रीम आई है। अब हम पहुंच चुके हैं। कहां पहुंचे अभी हम? अंबाला कैंट। हम अंबाला कैंट पहुंच चुके हैं और अब हम फाइनली जा रहे हैं। यहां से कैब करेंगे ना? यहां से कैब करेंगे। अच्छा ठीक है, ओके। काफी जल्दी पहुंचा दिया यार, 2:30 बजे पहुंचा दिया। आधा घंटा पहले पहुंचा दिया। नाइस। भाभी को हटा दिया बस वाले ने। वेलकम टू हरियाणा रोडवेज। सो मच लाइक दिल्ली नो। मैं तो वहां से सीधा टॉप पे डाला, एक शूट में भागा, एकदम वैसे फोन मिला लिया लवण्य को कि मैं हम बस अभी क्या वो टैक्सी करने वाले थे, निकल ही रहे थे हम, उतनी देर में कॉल आ गया। दिल्ली दादी को हाय बोलो, चाचू को हाय बोलो। हेलो। हेलो हेलो, क्या हाल चाल? हेलो हेलो, अरे नमस्ते आची, कैसे हो? बढ़िया जी। नमस्ते। अगले ब्लॉग में तू भी आएगा फिर तो देखना पड़ेगा। अब तो शादी में मिले थे ना, पड़ोसी भी हमारे ब्लॉग देखते हैं। बताओ कितनी अच्छी बात है, सुनकर बड़ी खुशी हो रही है। कलेजे को ठंड पड़ गई है ससुराल। हमारे असली व्यूज मतलब यहाँ से आते हैं। मेरा भी ससुराल है। यहाँ पे यहाँ पैदा हुआ था। अच्छा, अंकित यही पैदा हुआ था, यही पे मंजी थी मेरी, होम डिलीवरी होगी। गब्बर सिंह छो। हाँ, पापा भी इसके शादी बोलते थे। भूटान में बोलते ना गब्बर सिंह। मेरे को स्कूल में लेने भी जाती थी। अच्छा खासा टाइम हो गया मेरे को, उतने में इतना बदल गया। 5 साल तो आज हो गए, 5 साल 7-8 साल हो गए इनकी। मैं सुबह लगते हैं आज। चाची डिजर्व करती है ठंड में रूम करके सोना। एक सौ कैसे गाइस, खाली अंकित नहीं, पूरी फैमिली ही है। सब लड़के काम करते हैं, हम लड़के तो काम नहीं करते। चाची बैठ जाओ। चाची काम करती है, चाची बैठ जाओ। चाय पियोगे बताओ? मैं बनाता हूँ। मैं बनाऊँ चाय? एक नंबर चाय बनाऊंगा। चाची से आटा कुटवाना।
इसका तो आप चलो दूर हो गया कर ले तो इसके साथ तो ये तो बहुत इसमें तो हाँ मैंने चाटे मारे थे मैं तो पहले ही बता रहा था ये बोल रही थी चॉकलेट ले चलते हैं बच्चों में काउंट कर रही है तो खाना मैंने आते ही बोला झाई जी की मंजी यहीं पे होती रही झाई जी यहीं बैठती रही हम भी वैसे ही रहते हैं पे जब से पता लगा ना कि मुस्कान आ गया तो भाभी आपकी बहुत हाल है लेकिन जब सामने रहते हैं इधर आए हम लोग जैसे चार पांच घर सामने वो कह रही है मैं अपने घर में जाके वहाँ पे मेरा घर भी आएगा मैं क्या नहीं नहीं मिलवाना सबसे मिलवाना सबसे मिलवाएंगे मैं तो खुद इतनी एक्साइटेड थी आने के लिए मैंने बोला मैंने कहा सबसे मिल लूँ मैं अपने घर का अपने घर मैं ससुराल तो यही है आया हो गया तो बारिश हो गई अब मेला अब बाहर चल के देखते हैं मिट्टी खुशबू कितने टाइम के बाद बहू डांस करेगी भगवान बेटा दे यार बेटा बेटी कुछ भी जो भी हो बेटा बेटी सब चलेगा अरे भाई ओले ओले देखो अब देखो अरे बाप रे एक दो तीन उसका घर बहुत है हम तीन चार घर वाले सर्दियों में हम लोग ऐसा करते थे कोई अपने घर से फ्रूट ले आया कोई नमकीन ले आया यहीं बैठ के सब करते हाँ रोटी से रोटी सारा कुछ परमा नहीं देखा हुआ ये बता रहे थे जी बैठती थी तेरा भी हो गए बुड्ढे बुड्ढे ये वाला पलंग यहीं बैठते सारे एंसेस्ट्रल घर की जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है उसकी बात ही हो रहा है उस घर में जो यादें होती हैं मतलब देखो ना कितने साल हो गए अंकित तो पैदा हुए 60 साल हो गए 60 साल हो गए चलते को दिखाता हूँ यहाँ पे क्या था पहले रुक जा पहले मेरे को रील डालने दे पहले रील डाल लेते इतना मजा आ रहा है इतना अच्छा वेलकम किया चाची ने मतलब मुझे इतना आज लग रहा है कि मेरी शादी हुई है बता रही हूँ आज लग रहा है और वैसे भी ये मेरी चाची मेरी फेवरेट है तो मिली इनसे वैसे मैं इनसे भी नहीं मिली पता है ये वाली चाची मेरी इससे फेवरेट है क्योंकि ये गीतिका की मम्मी है गीतिका मेरी सिस्टर इन लॉ है और गीतिका बहुत अच्छी है हमारी बातें होती रहती है मतलब तीज त्योहार पे या कुछ भी करके हमारी मतलब एक वो एक गीतिका ऐसी है जिसे मुझसे स्टार्टिंग से बना के रखी स्टार्टिंग से मतलब और मुझे अब होता ना कि हम एक नई फैमिली में जाते हैं तो हम थोड़ा हिचकिचाते हैं तो उसने मेरा वो झाका तोड़ा मुझसे खुद से बात करके इसलिए मेरा थोड़ा ना उसकी तरफ झुकाव थोड़ा सा अ लिटिल बिट पार्शियल पूरा खाना खाया हुआ एकदम लोडेड है पकौड़े बने बारिश में पकौड़े हां सर मैं तो अभी अपनी तैयारी करके रख रही हूं चीजें ले लो दुल्हन के हाथ से चीजें नहीं लेनी झुकी तो पा दे यार थैंक यू बोलो अब तुम पढ़ देगी क्या हुआ कि मैं भूल गया
मैं चाची हूँ। A few moments later. पूछा था ना अभी आपसे? हाँ ठीक है, देखा था सुबह, देखा था। Obviously. नहीं मैंने ना आईडी खोली और उसमें लिखा था followed by गीतिका सबरवाल करके, तो मुझे लगा कि कोई रिश्तेदारी होंगे हमारे। भाई तेरी आउटरीच तो बहुत भयंकर है। मुझे तो पता भी नहीं था कि वहाँ पे कितने लोग जानते हैं मेरे को। अच्छा पूर्वा, आप पूर्वा की कौन? अरे तो बड़े कस्टमर मुझसे इन पर्सन मिल रहे हैं आज। इतना मैं नर्वस हो रही थी वैसे सच बताऊं तो। हाँ होता है, पर जब चाची जी ने झप्पी पाई ना मेरी सारी नर्वसनेस वही ऐसे अब आई है ससुराल कर झप्पी डाली, ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार आई। बड़ा बड़ा प्यार, मैं तो बहुत टाइम से वेट कर रही थी, मेरे को बोल रही थी तो शादी को साल हो गया भाई, चलो लेके चलो। आपने भी मंगाए थे ना? हाँ पूर्वा की मम्मी ने भी तो मंगाए थे। पूर्वा और पूर्वा की मम्मी का साइज सेम है, याद है मुझे। याद है मेरे को। इतने अच्छे लग रहे हो यार आप लोग तो, हम ट्रैवल करके आए हमारी शक्ल उतर गई है। नहीं आप लोग की भी बहुत अच्छी है। ये भैया ये HM वाली अपनी ड्रेसिंग कर रहे हैं, देखो जरा क्या सजाई है इन्होंने, क्या हरी चटनी बनाई जबरदस्त है ना। तू क्या है ना बोल रहा, तुम तो खा रही हो? मैं भी खा रहा हूँ। सुपर क्रिस्पी, बारिश का मौसम और पकौड़े 100/100 एकदम।